सभी का रचनामेरुद्रा.com में स्वागत है। जाड़े में कुछ गर्म पीने का मन करता है तो आज हम लेमन कोरिएंडर सूप बनाएंगे। हम देखेंगे लेमन कोरिएंडर सूप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आइए गैस ऑन करते हैं और सूप बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर दिया है। अब बहुत थोड़ा सा ऑयल, आधे चम्मच से कम ऑयल इसमें डाल देते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई 1 इंच अदरक का टुकड़ा मिक्स कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अदरक डाल देते हैं। ऑयल का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। गैस थोड़ी सी सिम कर देते हैं। आप यदि गार्लिक खाते हैं तो इसी में गार्लिक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 कप से कम बारीक कटी हुई गाजर, 2 कप पानी इसमें डाल देते हैं। गाजर सारी डाल दी है इसमें। अब इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब पानी को ढक देते हैं, खोल जाने के बाद दूसरी सब्जी इसमें मिलाएंगे। सूप खोल गया है। अब इसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी मिक्स कर देते हैं। 1/2 कप पत्ता गोभी है। आप इसमें फ्रांस बीन या फूल गोभी वो भी मिक्स कर सकते हैं। और ये बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ओनियन, 1/2 कप स्प्रिंग ओनियन है। ये हमने पूरा इसमें ऊपर जो ओनियन लगा रहा था उसके साथ काट लिया है, ये भी इसी में डाल देते हैं। अब जब तक सूप दोबारा खोल रहा है तब तक हम ये कॉर्न फ्लोर घोल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कॉर्न फ्लोर घोल लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा पानी लिया है। कॉर्नफ्लोर को भी इसी में मिक्स कर देते हैं। सूप को चलाते हुए अच्छी तरीके से पका लेंगे। गैस सिम कर देते हैं और इसमें 1 लेमन जूस डाल देते हैं। अच्छी तरीके से चला देंगे। 1/2 कप से कम बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, ये भी इसी में मिक्स कर देती है। सब चीज अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और सूप को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। गैस बंद कर देते हैं।